हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधि किचन। आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन में ऑयल को प्रीहीट कर लिया है। उसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। दो हरी मिर्च काट कर मैंने इसमें डाल दी है। हरी मिर्च फ्राई हो गई है, इसमें हम डाल देंगे प्याज। बारीक कटे हुए प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव भारतीय व्यंजनों में खास तरह के, ये हर व्यंजन के साथ ही परोसे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे होते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई बस सौंफ। डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। सर्दी के दिनों में हमने जो मटर फ्रिज में रखकर फ्रोजन किए थे वही मटर मैं यूज ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल को एक सीटी लगाकर अच्छे से बॉईल कर लिया है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब आप इसमें उबले हुए पुलाव डाल दीजिए। सबसे पहले आप उबले हुए पुलाव को पोहे धोने वाली प्लेट में डालकर ठंडा कीजिए। इसका जो पूरा धुआं निकल जाएगा, तो अच्छे से खिले खिले पुलाव बनकर रेडी होंगे। तो फ्रेंड्स, पुलाव के लिए चावल में मैंने एक सीटी ली है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए हर एक चावल कितने अच्छे से दिख रहा है। अभी देखिए बिल्कुल ये खिले खिले पुलाव हमारे बनकर रेडी होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पुलाव में लाल मिर्च नहीं डलती है, इसमें सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च ही यूज होती है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ग्रेप्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पुलाव में क्या क्या डालना पसंद करते हैं। मैंने ग्रेप्स लिए हैं। आप चाहे तो इसमें प्रोमोग्रेटेड यानी कि अनार भी आप इसमें डाल सकते हैं। अनार मुझे थोड़े से कम पसंद है, तो मैंने वो नहीं यूज लिए हैं, क्योंकि इससे खट्टापन ज़्यादा आ जाता है पुलाव में। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हो और क्या नहीं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी सामान हमारे इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे खिले खिले पुलाव बनकर रेडी हुए हैं। हर एक पुलाव हमारा दिख रहा है। आप चाहे तो कुकर में भी इसे बॉईल कर सकते हैं, नहीं तो आप चावल को भगोनी में भी बॉईल कर सकते हैं। कुकर में फ्रेंड्स, मैं कुकर में ही करती हूँ, क्योंकि फटाफट से एक सीटी आती है, हमारे चावल पक कर रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून चीनी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इससे पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी सामान मैंने इसमें डाल दिए हैं। और भी कोई सामान, नींबू वगैरह, अगर आप जो भी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और खड़े मसाले भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे गरम मसाला, चाय पत्ती, इलायची वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो मैंने यूज नहीं लिए, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे पुलाव की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये बस मुझे सपोर्ट करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।